हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में आर्यन करेगा इमली की बेगुनाही साबित। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि आर्यन यहाँ पर सभी लोग बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहीं पर चीनी की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि उसके अब ब्लड की ज़रूरत है। एक बार फिर से आर्यन उसे ब्लड देकर उसे बचाते नजर आता है। तो दूसरी तरफ गाँव वाले इमली के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो उसे बुरी तरह से भड़कते नजर आते हैं और उसे गिरफ्तार करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन आर्यन यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो खुद उसे गिरफ्तार करवाता है और मालिनी को लगता है वो उसे नफरत करने लगा है। और दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि मालिनी ने आर्यन को भड़काया है कि बच्चों को लेकर तो इमली वैसे भी कितनी लापरवाह है। और उसने एक वीडियो भी बनाया है इमली का जहाँ पर वो लड्डू रखते नजर आती है बच्चों के। लेकिन देखने को मिलता है कि आर्यन को वहीं से बेगुनाही का सबूत भी मिलता है कि वही लड्डू चीनी ने आर्यन को भी खिलाए थे। तो देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर इमली को पहले तो आर्यन गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब मालिनी यहाँ पर वो वीडियो दिखाते नजर आती है तो आर्यन को फिर से चीज याद आती है कि उसने तो सुबह से 3 लड्डू खा लिए थे, फिर उसको तो कुछ नहीं हुआ। और वो मालिनी को लेकर हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मालिनी को लगता है कि अब तो इमली को कोई नहीं बचा पाएगा। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है अर्पिता और सुंदर का बेटा जग्गू जिद करते नजर आता है कि उसे भी भाई बहन चाहिए। और अर्पिता यहाँ पर बताते यहाँ पर नीला आकर कहती है अगर वो 5 साल पहले वैसा हादसा नहीं हुआ होता तो हमारे घर में भी खानदान का वारिस होता होता और तुम्हें बड़ा भैया मिलता। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि वो ये भी कहते नजर आते कि प्रीता से शादी होते ही तुम्हारा छोटा भाई बहन जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर अर्पिता कहती है कि आर्यन इमली को जरूर लेकर आएगा और हो सकता है वो अब चीनी को भी यानी कि एक छोटा भाई बहन भी साथ में लेकर आए। और देखने को मिलेगा यहाँ पर अब नया ट्विस्ट। और दूसरी तरफ आर्यन यहाँ पर इमली को बचाने पहुँचता है पुलिस स्टेशन जहाँ पर पहले से ही मिट्टी होती है। और वो दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहले उससे चीनी को होश आता है और वो इमली के लिए जिद करते नजर आते हैं, लेकिन आर्यन उसे संभालती नजर आता है। और आर्यन के बारे में चीनी काफ़ी बताती है कि इमली उसके बारे में काफ़ी बातें करती है और तुम दोनों सेम कैसे हो। जिसके बाद ने यहाँ पर आर्यन यहाँ पर जानना चाहता है कि इमली सच में क्या उसके बारे में बात करती है। और उसके बाद ही यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और इमली को बचाते नजर आता है। और इमली के लिए बेगुनाही का सबूत वही उसी को बनाता है जो कि मालिनी ने उसके लिए गुनाह का सबूत बनाया था। और आर्यन कह देता है कि हाँ इमली ने इसलिए लड्डू रखे जरूर थे, लेकिन ये लड्डू मैंने 3 खा चुका हूँ और एक चौथा लड्डू मेरे पास भी है। इसके बाद इमली की बेगुनाही साबित होती है और आर्यन उसके सामने यही शर्त रखता है कि फिर से तुम माफ़ी मांग लो वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन इमली माफ़ी मांगने से साफ इनकार करते नजर आती है।